कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें वे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को सत्ता के लिए काम करने वाला बता रही है। वायरल वीडियो में प्रियंका मंच से भाषण दे रही है और वहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स प्रियंका के इस वीडियो को सच मानकर कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि इसकी वजह से उन्हें कांग्रेस कार्यालय से माफी मांगनी पड़ी। ट्विटर यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, प्रियंका गांधी ने अपने भाषण के दौरान भूपेश बघेल और कांग्रेस के नेताओं के लिए ऐसा सच बोल दिया जिसकी वजह से उन्हें कांग्रेस कार्यालय में माफी मांगनी पड़ी। इसके अलावा फेसबुक पर भी कई यूजर्स ने वायरल वीडियो को शेयर किया है इसी मिलते जुलते दावों के साथ। अब इस दावे की सच्चाई जानने के लिए द ललन टॉप ने पड़ताल की और उसमें यह दावा भ्रामक निकला। प्रियंका गांधी के वीडियो को एडिट करके भ्रम फैलाया जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने इनविट टूल्स की मदद से इसके कुछ की फ्रेम्स बनाए। इसके की फ्रेम को रिवर्स सर्च करने पर हमें डीबी लाइव के यूट्यूब चैनल पर 22 सितंबर को अपलोड किया गया एक वीडियो मिला। इसमें प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रही हैं, आप सब ने अक्सर सोचा होगा कि सत्ता के पीछे लोग बहुत दौड़ते हैं, खासकर से नेता लोग बहुत दौड़ते हैं, और मैंने अपने अनुभव से देखा है कि कई ऐसे नेता होते हैं जो सत्ता के लिए ही उत्सुक होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, सत्ता इसलिए नहीं चाहते ताकि उनका मान सम्मान बढ़े, उनके पैसे इकट्ठा हों, उनके बड़े बड़े महल बने, वो एक तरह का नेता होता है। प्रियंका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, लेकिन एक अलग तरह के नेता भी होते हैं जो सत्ता इसलिए चाहते हैं क्योंकि उस सत्ता के जरिए जनता की भलाई कर पाएंगे। मैं गर्व से कहती हूं कि आज छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है वो इसी तरह का है। वो सत्ता इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इस तरह से आप सबकी भलाई हो। जैसे मैंने कहा कि आपकी संपत्ति है वो इस देश की संपत्ति है, प्रदेश की संपत्ति है, वो आपके काम आए। इससे साफ है कि प्रियंका गांधी के बयान को बीच में से काटकर गलत संदर्भ के साथ शेयर किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान से नेताओं की तुलना की है कि एक स्वार्थी नेता वो होता है जो अपने लिए काम करता है और एक नेता वो होता है जो जनता की भलाई के लिए काम करता है। प्रियंका गांधी की भिलाई जनसभा का वीडियो प्रियंका गांधी वाड्रा के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया गया है। इसे भी सुनने पर स्पष्ट है कि प्रियंका दो तरह के नेताओं की बात कर रही हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेतृत्व की तारीफ की थी। मामले की अधिक जानकारी के लिए हमने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर से संपर्क किया। उन्होंने वायरल दावे को भ्रामक बताया। धनंजय ने द ललन टॉप से बातचीत में कहा, प्रियंका गांधी के भिलाई में दिए गए भाषण के वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तारीफ की है। इसके अलावा एडिटेड वीडियो के जरिए दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ रायपुर सिविल लाइन्स में एक मामला भी दर्ज कराया गया है। तो कुल जमा बात यह कि हमारी पड़ताल में यह साफ है कि प्रियंका गांधी के भाषण के कुछ हिस्से को काटकर भ्रामक तरीके से शेयर किया गया है। उन्होंने अपने भाषण में दो तरह के नेताओं के बारे में बात की थी और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेतृत्व की तारीफ की थी। अब इसी तरह से वायरल दावों की सच्चाई जानने के लिए आप पड़ताल देखते रहिए। ये लिखा था मेरे साथी शुभम ने। मेरा नाम है सोनल। शुक्रिया।